हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयपुर बैकपैकर। मेरा नाम है मोहित, मैं हूँ अभी चंडीगढ़ में और मैं खड़ा हूँ अभी अवतार ढाबे के बाहर और मैं यहाँ से नाइट से स्टे कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो बागेश्वर बाबा है उनका प्रोग्राम नोएडा में हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या शेड्यूल रहेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी चंडीगढ़ में और मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर बागेश्वर बाबा का एक दरबार लगने वाला है ग्रेटर नोएडा में, जिसको मैं पूरा कवर करने जा रहा हूँ। और अगर आप भी वहाँ पर आ रहे हैं, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहिए, तो आप सही वीडियो पे हैं। मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ वहाँ जाने से पहले, जो आपको ज़रूरी ध्यान में रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक सप्ताह का श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होने वाला है, जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी करने वाले हैं। और करीबन 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है पूरे प्रोग्राम में। और अगर अपन सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर 2000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, 1200 पुलिसकर्मी रहेंगे, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा वॉलेंटियर भी तैनात रहेंगे। अगर अपन यहाँ के पूरे पंडाल की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और 2000 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के कई राजनीतिक दिग्गजों को भी यहाँ का आयोजन का निमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम में CM के आने की अपेक्षा जताई जा रही है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रोग्राम में लाखों लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है और जिसकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से की जा रही है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले UP में कानपुर में भी ये प्रोग्राम होने वाला था, जिस कई सुरक्षा कारणों की वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। और मैं आपको इस कार्यक्रम का शेड्यूल बताता हूँ। शैलेंद्र शर्मा के अनुसार 9 जुलाई को कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1.25 लाख महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है। इसके लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था भी की जा रही है। इससे 16 जुलाई तक बाबा के प्रमुख कथा का दौरान 12 जुलाई को दिव्य दरबार और 14 जुलाई को सनातन धर्म का आयोजन किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं से आ रहे तो इसके इंतजाम क्या क्या रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में होने जा रहे इस कार्यक्रम के दिव्य भव्य दरबार की तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट में टेंट लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 20 लाख से ज़्यादा के लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं 2000 CCTV कैमरे और लाइट्स की व्यवस्था भी की जा रही है और बाकी जगह खुली रहेगी लोगों के लिए। 200 कमरों की व्यवस्था बनाई गई है। और बात करें अगर पार्किंग की, अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग की जो व्यवस्था रहेगी, 10 प्रमुख पार्किंग बनाई गई है, जिसके लिए श्रद्धालु के लिए इस दौरान 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी। इस कथा में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे आपको देनी थी। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा और कवर करते हैं पूरा बागेश्वर बाबा का जो भी प्रोग्राम रहेगा। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ पर पूरी वीडियोज डालने वाला हूँ और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, चलते हैं बागेश्वर के लिए, तब तक आइए।